इस नज़म का मुद्दा व मंशा ये है कि जब तक हमारा लीडर हमारी जमात अपने वतन अजीज के साथ कमिटेड है, हमें भी जमात के साथ कमिटेड रहना चाहिए। लेकिन अगर वो इन असूलों से हट जाए, उसकी मोहब्बत और खिदमत में फ़र्क आ जाए, तो हमारे जमात बदलने से कोई कुफर आयद नहीं हो जाता। जमातें जो सियासी होती हैं रफाही और फलाही होती हैं। जमात कोई मजहब तो नहीं, कोई हतमी हुक्म रब तो नहीं। इस पर सदा सर फोड़ोगे और पार्टी अगर तुम छोड़ोगे, तुम अपना ईमान नहीं तोड़ोगे, तुम अपना ईमान नहीं तोड़ोगे। लीडर का दामन साफ भी हो, बेदाग भी हो, शफाफ भी हो, दिलों को जो उम्मीद भी दे, खुशहाली की नवीद भी दे, जो मुल्क का ठीक निजाम करे, इदारों का इस्तेकाम करे, मेरिट को बस सलाम करे और अदल को हर सू आम करे, और उससे हम सब जुड़ जाएं और उसकी समत ही मुड़ जाएं। रुख अपना उधर घर मोड़ोगे, तब्दीली से नाता जोड़ोगे, और पार्टी अगर तुम छोड़ोगे, तुम अपना ईमान नहीं तोड़ोगे, तुम अपना ईमान नहीं तोड़ोगे। पार्टी तो वादा होती है, खिदमत का इरादा होती है, हर वक्त हक के राही बनो, इंसाफ और सच के सिपाही बनो। पर आदल ये क्या बात हुई और जुल्म की कैसी रात हुई। चाहे लीडर बदतर हो जाए, किरदार में कमतर हो जाए, झूठा भी हो और चोर भी हो, खाइन भी रिश्वत खोर भी हो, ना सादक ना अमीन हो वो, अंदर से भी कमी हो वो, इस मुल्क पे कर्जे चढ़ते चले, असासे पर उसके बढ़ते चले, अब क्यों उस समत तुम दौड़ोगे, और पार्टी अगर तुम छोड़ोगे, तुम अपना ईमान नहीं तोड़ोगे, तुम अपना ईमान नहीं तोड़ोगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।